नमस्कार, न्यूज 1:11 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। सदन के आखिरी दिन भूमिहीन को भूमि दिलाने को लेकर CPIML के विधायक सुदामा प्रसाद ने नीतीश सरकार को जमकर घेरा। आपको बता दें कि सुदामा प्रसाद ने लगातार अपनी बातों पर अड़े रहे और जमीन दिलवाने को लेकर अपनी बात रखी। क्या कुछ उन्होंने कहा वो सुनिए। यह सभा राज्य सरकार से अभिष्टाव करती है कि वह राज्य के 16 लाख से अधिक वास भूमिहीन व्यक्तियों को 5 डिसमिल जमीन खरीदने के लिए 60,000 रुपये देने के बजाय 5 डिसमिल जमीन खरीद कर दें। ग्रामीण विकास मंत्री। सभापति महोदय, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ पाने हेतु लाभार्थी के पास न्यूनतम 25 वर्ग मीटर वास भूमि होना आवश्यक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की प्रतीक्षा सूची में कुल 30,532 वास विहीन परिवार चिन्हित है, जिसमें से 18,504 परिवार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग की कोटि के हैं। योजना की प्रतीक्षा सूची में शामिल वास स्थल विहीन लाभकों के समक्ष समय आवास की समस्या के समाधान हेतु मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अति पिछड़े वर्ग के लाभकों को पंचायत अंतर्गत आवास निर्माण हेतु न्यूनतम 25 वर्ग मीटर वास भूमि क्रय 60,000 रुपये तक की सहायता राशि FTO के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में दी जाती है। वास भूमि का चयन लाभुक अपनी पसंद से करते हैं। लाभुक के पास भूमि की उपलब्धता के साथ ही उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत आवास की स्वीकृति भी दे दी जाती है, ताकि उनके समक्ष आवास की समस्या का शीघ्र समाधान हो सके। लाभुकों के वास भूमि के निबंधन एवं स्तंभ शुल्क के लिए क्रमशः 50 रुपया निर्धारित किया गया है। इस योजना अंतर्गत लाभुक अपनी पसंद से वास भूमि का चयन करते हैं, इससे लाभुकों को ज्यादा अधिकार मिलता है। योजना अंतर्गत अब तक 655 लाभुकों का निबंधन एवं 320 को सहायता राशि अंतरित हेतु FTO जारी किया जा चुका है। अतएव माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प प्रस्ताव वापस लेने की कृपा करें। महोदय, मैंने ये सवाल उठाया है। माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ बैठे हुए हैं, संकल्प है, लेकिन पूरा माननीय ये माननीय मंत्री जी ने जो भी उत्तर दिए हैं वह सही नहीं है। और हम आज ये मांग करते हैं, चूंकि 16 लाख से अधिक जो वास भूमिहीन लोग हैं उनको सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का कोई लाभ नहीं मिल रहा है महोदय, इसलिए हम फिर से आग्रह करते हैं कि ये वास भूमिहीनों को कम से कम इतना आप कर दीजिए कि उसको सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का भी लाभ उठा सके। नहीं महोदय, इस प्रस्ताव को मैं वापस नहीं लूंगा, इसलिए कि ये बसने का सवाल है, ये कोई और सवाल नहीं है। अगर सरकार ये चाहती है कि नहीं, इन लोगों को बसने के लिए जमीन हम नहीं देंगे, तो हम उस पर बैठ जाएंगे। लेकिन पूरे बिहार में 60,000 रुपया में कहां जमीन मिलेगी? माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि उनके चॉइस के अनुसार खरीदा जाता है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है महोदय, जिस तरह से जमीन महंगा हुआ। महोदय, माननीय सदस्य को मैं बताना चाहता हूं कि जो पहले से सरकार की नीति है 5 डिसमिल जमीन देने की, और उस पर रोक नहीं है, वो जारी है। ये तो अतिरिक्त माननीय मुख्यमंत्री जी ने फैसला लिया कि वैसे जो लाभुक हैं जिनको जमीन नहीं मिला है और इच्छा अनुसार अगर जमीन खरीदना चाहते हैं, उनको 60,000 रुपये की सहायता राशि अलग से दे रहे हैं महोदय। ये तो माननीय सदस्य को जानकारी में रहना चाहिए। कहीं नहीं 5-10 मिल जमीन कहीं नहीं बसने के लिए दिया गया है। अरे भाई, अतिरिक्त अगर ये देने की घोषणा कर दे तो हमारी बात खत्म हो जाती है। ठीक है, आप संकल्प वापस लीजिए। आप अब तो सरकार को ये लगता है कि सत्यवराम ने ये बात उठाया है, घोषणा कर देंगे तो इनके खाते में चला जाएगा उपलब्धि। मैं तो कहता हूं कि सरकार की ही उपलब्धि रहेगी, मैं इसके उपलब्धि का अधिकारी नहीं हूंगा, लेकिन 16 लाख से अधिक लोगों को बसने की जमीन की घोषणा आप कर दीजिए। वापस हो गया, वापस लीजिए।
वापस ले लीजिए, तो बहुमत करा लीजिए। अगर लोग चाहते हैं कि ऐसे लोग बसने को न मिले तो हमारा अब, लेकिन मैं तो वापस नहीं लूंगा। बहुमत देख ले, आप वोट करा लीजिए। गरीब के दुश्मन ये आपका अधिकार है, जो मिल रहा है साठ हजार अरे वो भी गड़बड़ हो जाएगा, जो मिल रहा है वो भी हो जाएगा, वापस लीजिए। ये तो 1947 से चल रहा है महोदय, जो मिल रहा है वो भी। 72 साल में ही नहीं हुआ तो अब क्या कहे? आप खिलाफ में है, आप कहिए कि वे लोग नहीं बसे, आप कह दीजिए हाथ उठा करके हम मान लेंगे। आपको 5 डेसिमल की जो नीति हो सरकार की है, उसके अतिरिक्त ये जो भूमिहीन है उनको दिया जा रहा है। हम तो मिलने की बात वही कह रहे हैं, अतिरिक्त क्यों मांग किए नहीं है? इसलिए वापस ले लीजिए। सभापति महोदय, इनकी जानकारी में हमने अभी इनसे इनको उत्तर दिया, मैंने 655 लाभुकों का निबंधन कराया हमने और 320 लोगों को सहायता राशि उनको दिया जा रहा है। तो ये कह रहे हैं 60,000 में कहां जमीन मिला, तो 320 लोग कहां कैसे जमीन खरीद रहे हैं? इनको कितना राशि चाहिए ये तो बता देना चाहिए इनको। चलिए अब स्पष्ट हो गया ना, मैं स्पष्ट नहीं हूँ। चलिए और वापस तो ले लेता हूँ, लेकिन सरकार भूमिहीनों को बसने की जमीन नहीं दे रही है। तो फिलहाल इतना ही, तमाम ऐसे खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार। News 1 11 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।